वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मदिया अगेन। वेल गाइस, हम लोगों ने 5 किलोवाट का एक सेटअप लगाया सोलर का, और इसमें एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन थी। वाटर हमारे पास दो थी, सिंगल फेज वाटर थी हमारे पास, और दोनों को हमें यूटिलाइज करना था। दोनों को यूटिलाइज किया हमने, आपको दिखाए थे ये चीज़ें, और हमने लगाए मेन वाटर 1 और वाटर 2 के लिए, जिसको हमने कनेक्ट किया है ब्रेकर के थ्रू। जिसमें हमने ब्रेकर लगाया 63 एम्पीयर्स के 2 पोल के ब्रेकर लगाए हैं, वाटर 1 और वाटर 2। ये अलग अलग मीटर से आ रही है, 2 पोल हमने यूज़ किए और न्यूट्रल हमने कंबाइन नहीं किया, कॉमन नहीं किया, ताकि एक वक्त में आइसोलेटेड एक ही मीटर चले, दोनों मीटर एक साथ नहीं चले। अगर हम इसमें न्यूट्रल कॉमन कर देते सिंगल पोल ब्रेकर लगा के, तो क्या होता, दोनों मीटर एक साथ चल रहे होते। अभी जो मीटर हम इस्तेमाल करना चाहेंगे सिर्फ वही मीटर इस्तेमाल होगा, दूसरा नहीं होगा। अच्छा, ये वाटर 1 का ब्रेकर है, ये वाटर 2 का ब्रेकर है, 63 एम्पीयर का, और ये सोलर का लोड का ब्रेकर है जिसमें हमने 32 एम्पीयर का ब्रेकर लगाया। अच्छा, ये इसके कनेक्शन है चेंज ओवर के, ये लाइव है। अच्छा, वाटर 1 ऊपर से हमने कनेक्ट किया है, वाटर 2 हमने नीचे कनेक्ट किया है, और इसकी आउटपुट हमने दिए। अच्छा, इसकी जो आउटपुट है चेंज ओवर की, एक हमने दिए डायरेक्ट सोलर को, और एक हमने दिए आउटपुट दूसरे चेंज ओवर की इनपुट में दिए, फर्स्ट पे जो वाटर आ गई, और ऊपर से हमने जो कनेक्शन आ रहा है हमारे पास, ये कनेक्शन आ रहा है सोलर का, ठीक है। ये वोल्ट मीटर से कनेक्टेड है सोलर, और वाटर की वोल्ट मीटर से कनेक्टेड है। अच्छा, ये हमारे पास एम्पीयर मीटर लगा हुआ है साथ में, जो मैं लाइव लोड बता रहा हूँ कितना लोड चल रहा है इसके ऊपर। इसको लोड चल रहा है 8 एम्पीयर का। जो ऊपर वाला चेंज ओवर है वो सोलर और वाटर का है। वाटर कौन सी जो हम नीचे सेलेक्ट करेंगे, 2 या 1? अभी आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखा देते हैं हमारे जो सोलर की है। वेल गाइस, में हमने इन्वर्टर यूज़ किया है क्राउन माइक्रो का रिकार्डो, ये VM2 मॉडल है। इसकी मैक्सिमम VOC 500 वोल्ट DC है, जो सोलर से हम दे सकते हैं इसको, और ये 5.2 किलोवाट मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है। इसकी सोलर इनपुट 4000 वाट्स है, 4 किलोवाट की सोलर इनपुट है। इस पर हमने सोलर पैनल लगाए 5.2 किलोवाट के, जेड एंड शाइन डुअल ग्लास है, ऊपर नीचे ग्लास है। नीचे नॉर्मली जो पैनल आते हैं उसमें ग्लास फाइबर होता है, ऊपर ग्लास होता है, नीचे फाइबर होता है, लेकिन जो पैनल है ये ग्लास है, ये भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, इस इन्वर्टर के कनेक्शन हमने इस तरह से किए हैं कि बैटरी बैंक हमने सेपरेट किया है, सेपरेट DC में इंस्टॉल किया है, इस पर हमने केबल इस्तेमाल किए 25 mm सिंगल कोर न्यूट्रल पे, और 25 mm सिंगल कोर पॉजिटिव पर। ये 80 एम्पीयर का मिट्सुबिशी का ब्रेकर है AC DC। इस पर बैटरीज हमने लगाई है ओसाका टाउल ट्यूबलर 185 एम्पीयर आर, बट एट 20 आर। ये C20 टाइप की बैटरी है, ये 185 एम्पीयर सिर्फ उस वक्त है जब आप डिस्चार्ज रेट आपका 20 आवर्स होगा। अगर डिस्चार्ज रेट कम होगा तो इसकी एम्पीयर रेटिंग भी कम हो जाएगी। अच्छा, इस पर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हमने लगाया है, इस पर इनपुट पर हमने 63 एम्पीयर का ब्रेकर लगाया है मिट्सुबिशी का, और आउटपुट पर हमने 32 एम्पीयर का ब्रेकर लगाया है मिट्सुबिशी का, और इसकी PV इनपुट पर हमने ब्रेकर लगाया है श्नाइडर का IC60N 63 एम्पीयर। अच्छा, इसको हमने प्रॉपर लक्स किया है, कोई भी केबल हमने विदाउट लक्स कनेक्ट नहीं की। जितनी भी केबल्स हमने कनेक्ट किए हैं इवन दो इन्वर्टर्स में भी, वो प्रॉपर लक्स के साथ हमने आई लक्स यूज़ किए, आई लक्स के साथ हमने कनेक्ट किए। ये श्नाइडर का जो ब्रेकर है 1000 वोल्ट DC, इसकी इनपुट है मैक्सिमम, ये इसके कनेक्शन है, ये PV का कनेक्टर है, उसके साथ बैटरी का, और ये इनपुट आउटपुट का। इसको हमने अर्थ ग्राउंड कनेक्ट कर दिया है, जैसे ही अर्थिंग यहाँ पे प्रॉपर होगी तो इसके साथ वो भी अटैच हो जाएगी। वेल गाइस, एज आई सेड, इसमें हमने जेड एंड शाइन के पैनल यूज़ किए हैं 330 वॉट्स के, और डुअल ग्लास 72 नंबर ऑफ सेल्स में इंस्टॉल है पर सोलर पैनल। यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे 16 पैनल्स। अभी हमने इसमें इंस्टॉल किए 14 नंबर ऑफ पैनल हमने कनेक्ट किए हैं, 15 अवेलेबल है हमारे पास। एक पैनल हमारा डैमेज हो गया था, जब वो पैनल हमारा रिप्लेस होकर आ जाएगा तो हम पैनल भी साथ में अटैक कर देंगे। अभी ऑड और इवन हो जाता अगर हम 7 और 8 की स्ट्रिंग बना रहे थे, तो हमने जो स्ट्रिंग्स बनाई वो 7 पैनल की बनाई है,
और इसी से जो कनेक्शन किए हमने प्रॉपर किए हैं MC4 कनेक्टर के साथ, कोई भी कनेक्टर हमने कट नहीं किया है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसा ही बिल्कुल। अभी 3 बज रहे हैं, 1.8 वाट का लोड चल रहा है हमारा, एसी चल रहा है। और कितना लोड बढ़ा सकते हैं, 3 तक लेके जा सकते हैं? 3 किलोवाट तक लेके जा सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। 3 किलोवाट तक लेके जा सकते हैं इस टाइम आप। इससे लोड 3 बजे के बाद तो नहीं चलाएगा ये। अच्छा, 3 बजे से पहले वो 4 किलोवाट तक लोड चला देगा, लेकिन आपने चलाना नहीं है क्योंकि आपने बैटरी भी फुल करनी है ना। ये हमारे पैनल्स हैं, अरे यार पता नहीं तो सिर्फ 5 ही मिनट हुए अभी। देख खबर, ग्रेट गोइंग मैन, ग्रेट गोइंग मिस्टर अब्दुल्ला, वेल गाइज, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोज़ जो हैं नोटिफिकेशन बाद में आपको मिलती रहें। थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलामुअलैकुम।